अब पहले नंबर पे है पॉल डेलेट। पॉल डेलेट एक रिटायर्ड कैनेडियन IFBB बॉडी बिल्डर थे। इन्होंने फर्स्ट कम्पीट किया था प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में, जिसमें उन्होंने सेकेंड प्लेस हासिल की थी हैवीवेट डिवीजन में 1991 नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप में। और इनका जो फर्स्ट ओलंपिया था 1993 में, जिन्होंने उनकी 6th प्लेस लगी थी। उसके बाद उन्होंने 1993 आयरनमैन में 4th, आर्नोल्ड क्लासिक में 4th और नाइट ऑफ चैंपियंस में 1st पोजीशन हासिल करी थी। पॉल डेलेट को बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का जुरासिक पॉल डेलेट भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत मैसिव बॉडी बिल्डर थे। बहुत साइज था इनमें, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, 6'4" इनकी हाइट थी, और ये बहुत मैसिव 275 lbs के ऑन स्टेज बॉडी बिल्डर थे। पॉल डेलेट ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी खुद की एक वर्ल्ड ब्यूटी एंड फिटनेस फैशन कंपटीशन शुरू किया, जिसे इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 2007 में, जिसमें बॉडी बिल्डिंग, मसल मॉडल, फिटनेस मॉडल, वुमेन्स फिगर, दिवास फिटनेस मॉडल के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। और अब रिटायरमेंट के बाद पॉल डेलेट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पे है फ्लैक्स व्हीलर। फ्लैक्स व्हीलर एक अमेरिकन IFBB प्रो बॉडी बिल्डर हैं। जब ये बच्चे थे, इन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ फेस किया और काफ़ी करीबी में इनका बचपना बीता है, और इन्होंने मार्शल आर्ट्स में स्टार्टिंग में दिलचस्पी दिखाई थी, और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट कम्पीट किया था 1983 में। फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशनल कार्ड अर्न किया था प्रो बॉडी बिल्डर बनने के लिए 1989 के NPC मिस्टर कैलिफोर्निया चैम्पियनशिप को जीत के। फ्लैक्स व्हीलर ने फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था 1993 में, जिसमें इन्होंने सेकेंड प्लेस हासिल करी। और फ्लैक्स ऐसे बॉडी बिल्डर है जिसने आयरन मैन कॉम्पिटिशन 5 बार जीता है, और 4 times आर्नोल्ड क्लासिक विनर रहे हैं, जिसमें इनकी दूसरी चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, वो फ्रांस ग्रांड प्रिक्स, नाइट ऑफ चैम्पियंस और हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स को भी जीता है। फ्लैक्स व्हीलर को सुल्तान ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत टॉप के बॉडी बिल्डर थे, और ये करीब 235 lbs पे स्टेज पे कम्पीट करा करते थे, और हमेशा टॉप प्लेसिंग्स गैदर करते थे। ये मतलब उस टाइम के सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डरों में से एक थे। फ्लैक्स व्हीलर अब रिसेंटली कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। फ्लैक्स व्हीलर ने 2017 मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक फिजिक में कम्पीट किया था, और इसमें इन्होंने 17th प्लेस हासिल की थी। फ्लैक्स व्हीलर को 1999 में फोकल सेगमेंटल क्लेरोसिस हुआ था, और इन्हें किडनी से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स भी हुई थी। फ्लैक्स व्हीलर को 2020 में DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ था, जिसकी वजह से इनका एक पाँव एम्प्यूटेट है। तीसरे हमारे बॉडी बिल्डर है टॉम प्रिंस। टॉम प्रिंस एक रिटायर्ड अमेरिकन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने 1997 में NPC नेशनल चैंपियंस को जीतकर अपना प्रो कार्ड अर्न किया था। टॉम प्रिंस ने 2001 मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, और इनकी 16th प्लेस लगी थी, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट किया था, लेकिन किसी में भी इनकी टॉप प्लेसिंग्स हासिल नहीं हुई थी। 2003 में टॉम प्रिंस की किडनी फेलियर हो गई थी, इसकी वजह से इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग आगे कंटिन्यू नहीं रखी, और अब प्रेजेंट में टॉम प्रिंस इस प्रकार दिखाई देते हैं। और आज टॉम प्रिंस और उनकी पत्नी एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस को चलाते हैं, जो सदर्न कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। राज टॉम प्रिंस एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखाई देते हैं।
चौथे हमारे बॉडी बिल्डर है मुस्तफ़ा मोहम्मद। मुस्तफ़ा मोहम्मद ने अपने आईएफबीबी करियर में 23 प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट किया है, पर इनकी कभी भी टॉप प्लेसिंग नहीं लगी है, सिवाय एक के, वो था 2003 ग्रैंड प्रिक्स होलैंड, जिसमें इन्होंने इनकी थर्ड प्लेस लगी थी। मुस्तफ़ा मोहम्मद अब अपनी पत्नी के साथ जॉर्डन में रहते हैं और एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखाई देते हैं। लगा मेरा आपको वीडियो, अब प्लीज़ सब्सक्राइब करें संजय सैमुअल फिटनेस को। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए शुक्रिया।